वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं कल का बाजार और शर्मिला जोशी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। निमेश एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से, उनसे बातचीत करते हैं, पूछ लेते हैं उनका सवाल। तो निमेश नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मेरे पास टाइटन के 50 शेयर पड़े हैं 1930 रुपए के भाव के, और मैं वो सेल करके अभी अदानी पावर में लगाना चाहता हूँ। ओके शर्मिला जी, क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है, 770 रुपए का मुनाफा बुक करके अदानी पावर लेना चाहिए इन लेवल्स पे? ऑनेस्टली अगर आप मुझे दोनों स्टॉक्स के बीच में चूज करने के लिए बोले तो आई वुड प्रेफर टाइटन ओवर अडानी पावर। इसकी दो वजह है, एक तो एज अ थीम मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि नो रिटर्न टू सॉर्ट ऑफ फुल नॉर्मलसी, इसका इम्पैक्ट हमें ना अब पता चलेगा व्हेन पीपल रियली गो आउट एंड शॉप। जब आपके बड़े त्यौहार आएंगे, शादी का सीजन आएगा, देन पीपल विल गो आउट एंड रियली बाय। और वैसे भी टाइटन के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं, सो आई थिंक यू नो वंस थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल वी वुड डेफिनेटली सी नंबर्स फॉर टाइटन इम्प्रूविंग एज वेल। तो मुझे टाइटन ज्यादा पसंद है एट दिस पॉइंट इन टाइम ओवर अडानी पावर, लेकिन वो पैसे बना रहे हैं तो इट्स रियली वो इन्वेस्टर का चॉइस है। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में अगर इस समय पर मुझे आप चूज करने के लिए बोलेंगे तो देन इट वुड बी टाइटन। ठीक है, तो टाइटन में ही बने रहने की सलाह है, टाइटन की जगह अदानी पावर लेने का फिलहाल सजेशन नहीं है दोनों में से, क्योंकि जो प्रेफरेंस है शर्मिला जी की वो टाइटन के साथ है। चलिए सवाल इतने ही शामिल करेंगे, शुक्रिया शर्मिला जी शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? यस, आई थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम कि जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है आइदर होल्ड देम और हैव रेकमेंडेड देम। थैंक यू, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। CNBC आवाज पर ब्रेक के उस पार भी नमस्कार।